सो फ्रेंड्स, 3x3 रूबिक्स क्यूब की तरह ही 2x2 रूबिक्स क्यूब में भी कुछ एडवांस मेथड होती है। जिस तरह 3x3 रूबिक्स क्यूब में सीफॉक रू मेथड होती है, उसी तरह 2x2 रूबिक्स क्यूब में भी ओल्टेजा मेथड होती है। तो आज हम वीडियो में जानेंगे कि ओल्टेजा मेथड क्या होती है। सो हाय गाइस, दिस इज कपिल भाटिया। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू 2x2x2x2 रूबिक्स क्यूब ओल्टेजा मेथड और हाउ टू सॉल्व 2x2x2 रूबिक्स क्यूब बाय ओल्टेजा मेथड। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ओल्टेजा मेथड होती क्या फ्रेंड्स, अब उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको स्क्रैम्बल करके बताता हूं। तो ये मैंने स्क्रैम्बल कर दिया क्यूब को। ओल्टेजा मेथड में क्या होता है, पहले हम फर्स्ट लेयर बनाते हैं किसी भी एक कलर से। चलिए मैं आपको व्हाइट से लेकर बता देता हूं। पहले हम फर्स्ट लेयर बनाते हैं, वो भी कोई ओरिएंट नहीं होती, मिस ओरिएंट होती है, उसमें आपको कलर को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर हम फर्स्ट लेयर अपनी टॉप लेयर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लेयर बनाया, फिर टॉप लेयर को बनाया, फाइनली एक एल्गोरिथम मतलब OL से टॉप लेयर को बनाया, फाइनली PBL से हम पूरे पूरे क्यूब को जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे होगा वो दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरह का। मतलब फर्स्ट लेयर OLL PBL, तीन यहाँ एल्गोरिथम लगती है फर्स्ट लेयर के लिए। नॉर्मल आप फर्स्ट लेयर बनाना जानते ही हैं, OLL के लिए ओरिएंटेड लास्ट लेयर और PBL परमिटेड बोथ लेयर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैं स्क्रैम्बल करता हूँ क्यूब को। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे OLL और PBLL पे। फर्स्ट लेयर जो है वो आप इजीली बना लेंगे अगर आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब बनाना आता हो तो ठीक है। चलिए मैं फर्स्ट लेयर बना लेता हूँ। तो मैंने बॉटम में फर्स्ट लेयर बना लिया है और अब हमें बनाना है OLL। तो OLL कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं फटाफट नए नए केस लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट केस है OLL का, 2x2 रूबिक्स क्यूब की OLL का फर्स्ट केस है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि आपको एक हेडलाइट दिख रही होगी अपने लेफ्ट हैंड साइड पर। टॉप पर दो येलो कलर मैच हो रहे होंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, टॉप पर सभी येलो कलर चाहिए। तो आपको हेडलाइट्स दिख रही होगी अपने को लेफ्ट हैंड साइड पर। इसके लिए सिंपल सा एल्गोरिथम है, क्या है वो देख लीजिए। FIUR'UF'। और यहाँ आप टॉप पर पूरे पूरे कलर बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये है हमारा सेकंड केस, जिसमें आप देखेंगे कि आपको हेडलाइट्स तो दिख रही है मगर टॉप पर येलो ना होकर आपको यहाँ पर अपने फ्रंट पर और बैक पर येलो दिख रहा होगा, कुछ ओरिएंट ना होकर मिस ओरिएंट होगा। और हम पिछले केस की तरह ही लेफ्ट साइड पर होगा। तो इसमें पिछले केस की तरह ही करना है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, सिंपल है। FIUR'UF'। और यहाँ टॉप पर पूरे पूरे ठीक हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो भाई ये केस भी पिछले केस की तरह ही है। आप देख रहे होंगे कि आपको फ्रंट पर आपको हेडलाइट्स दिख रहा है येलो से और बैक पर आपको हेडलाइट्स दिख रहा है और टॉप पर कोई भी येलो कलर नहीं है। तो इसमें भी पिछले केस की तरह ही करना, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। क्या करना है हमने, FIUR'UF'RUR'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 
तो ये फोर्थ केस है हमारे ओएलएल का। आप देख रहे होंगे टॉप पे दो येलो कलर है और एक अपना राइट साइड पर है और फ्रंट पर एक येलो कलर। तो इसके लिए क्या क्या जरूरत है वो देख लीजिए। एफ आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम एफ प्राइम, और इस तरह आप टॉप पर सभी कलर्स बना लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं। तो एक केस ये हमारे पास, आप देख रहे होंगे टॉप पे दो कलर येलो कलर है, एक फ्रंट पर है और एक है हमारे बैक पर, और लेफ्ट साइड पर कोई भी हेडलाइट्स नहीं है। तो बड़ा ही सिंपल केस है ये। इस पे क्या जरूरत हमें आप देख ली, आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, और इस तरह आप टॉप पर सभी येलो कलर्स ले लेंगे। तो एक ये केस है जिसका नाम है शून्य। आप देख रहे होंगे टॉप पर एक कॉर्नर हमारा बना हुआ है, एक येलो कलर है, एक फ्रंट पर राइट पर और एक बैक पर है। तो इसके लिए क्या एल्गोरिथम है वो देख लीजिए। शून्य केस है हमारा, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, और इस तरह आप टॉप पर सभी येलो कलर्स ले लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एक ये शून्य केस की तरह ही हमारे पास एंटी शून्य केस है। टॉप पर एक येलो कलर है और इस बार बैक पर आपको येलो दिख रहा होगा, राइट साइड पर फ्रंट पर दिख रहा होगा। आपको रखना ऐसे इस येलो कलर को अपने लेफ्ट साइड पर, डायग्राम दिख रहा होगा आपको। और एल्गोरिथम क्या है देख लीजिए जरा, आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू टू आर, और ये आप पूरा बना लेंगे। तो ये सात सेवन केसेस थे हमारे ओएलएल में, टू बाई टू ओएलएल में। तो अब चलिए हम बात करते हैं पीबीएलएल की, परमिटेड लास्ट लेयर की।
तो भाई परम्यूटेड लास्ट लेयर में क्या होता है वो देख लीजिए। परम्यूटेड लास्ट लेयर में या तो होगा आपके साथ के बॉटम के आप सभी सभी कॉर्नर्स को एकदम सही फिक्स करें और टॉप पर आपको सब कुछ मिल जाए लास्ट, और सिर्फ दो ये हमारे पास ऐसे आए कि जो ओरिएंट नहीं है, मिस ओरिएंट है। या फिर होगा कि टॉप बॉटम में भी आपको कोई ना मिला हो और टॉप में भी कोई ना मिला हो, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो चलिए धीरे धीरे सभी केस को देखते हैं। इसमें ज्यादा केस नहीं है, 5 केस है अपने पीबीएलएल में, परम्यूटेड बोथ लेयर में। तो चलिए क्या होता है देखते हैं। तो पहला केस ले रहा हूं मैं, बॉटम में सभी कलर मैच है, टॉप पर अपना फेस बना है, बॉटम में बना है, लेफ्ट साइड पे बना है, बस इन दो कलर को अपने को करना है करेक्ट, इन दोनों कलर को हमने करना है करेक्ट। तो इसके लिए टीपा में हमारा आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर टू यू प्राइम आर यू आर प्राइम एफ प्राइम, और इस तरह हम उसे ठीक अरेंज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो भाई ये भी पिछले केस की तरह ही है, आप देख रहे हैं डाउन में सभी बने होंगे, सिर्फ ये दो डायगोनली जो हमारे कॉर्नर है उन्हें हमें करेक्ट करना, उन्हें हमें करेक्ट करना, ठीक है। कैसे करना है वो देख लीजिए, वाइपर में ये हमारा वाइपर से हो जाएगा एफ आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम एफ प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, तो इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं। तो भाई ये एक हमारे पास केस है, इसमें देख लीजिए अपना बॉटम फेस बना है, टॉप फेस बना है, और आपको यहाँ पर हेडलाइट्स दिख रही होगी, बॉटम फेस में आपको हेडलाइट्स दिख रही होगी और अपर फेस में भी आपको एक हेडलाइट दिख रही होगी। तो जरूरी नहीं है कि आपको सेम कलर से दिखे, डिफरेंट कलर से भी हो सकती है। यहाँ पर आपको रेड रेड दिख रहा है, जरूरी नहीं है, यहाँ पर रेड हो सकता है, यहाँ पर अपना ब्लू हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या केस है वो देख लीजिए जरा। आपको क्या करना है, दोनों अपने हेडलाइट्स को एक ही फेस पे लाना है, अपने फ्रंट साइड रखना है, और पीछे का थोड़ा मिसमैच होगा उस पर फोकस मत कीजिए, एल्गोरिथम ऊपर लिखी हुई आप देख लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आर टू यू प्राइम बी टू यू टू आर टू यू प्राइम आर टू, और इस तरह आप पूरा का पूरा क्यूब जो है अरेंज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट केस में चलते हैं। तो भाई एक ये केस है हमारे पास, आप देख रहे होंगे कि आपको एक बार दिख रहा है और बाकी जो भी है हमारा, मतलब अपर लेयर में आपको एक बार दिख रहा है, हेडलाइट्स दिख रही है, बाकी कहीं पर भी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ना बॉटम में दिखेगा ना अपर में दिखेगा। हो सकता है कभी कभी आपके साथ इस तरह भी आ जाए कि आपको ये जो बार है वो डाउन लेयर में दिख जाए ना कि अपर लेयर में। तो आपको करना क्या है वो आपको याद रखना है। आपको क्या करना है, आपको इसे टर्न करना है और अपर में रखना है इस बार को, वो भी अपने फ्रंट साइड पर, और सिंपल से एक एल्गोरिथम लगानी है। क्या एल्गोरिथम है वो देख लीजिए एक बार। आर यू प्राइम आर एफ टू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम, और इस तरह पूरा पूरा हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं। तो ये हमारा लास्ट केस है हमारे पीबीएलएल का, ठीक है। इसमें क्या होता है वो देख लीजिए, आपको दिख रहे होंगे कि सभी के सभी जो हमारे एक फेस पर दो अपोजिट कलर है, मतलब दो रेड है दो ऑरेंज है, मतलब दोनों अपोजिट होते हैं अपने फेस से। इस तरह ब्लू और ग्रीन अपोजिट होते हैं, रेड ऑरेंज अपोजिट होते हैं, ग्रीन अपोजिट। तो हो सकता है कभी कभी आपके साथ ये वर्टिकल आ जाए, आपको वर्टिकल बार दिख जाए, या फिर आपको इस तरह चेकर बोर्ड पैटर्न टाइप कुछ दिख जाएगा। तो इसमें बड़ा ही सिंपल केस है, क्या है वो बता देता हूँ आपको। क्या एल्गोरिथम है वो, आर टू एफ टू आर टू, और ये देखिए पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। यू टू ले सकते हैं आप, आर टू एफ टू आर टू, इस तरह वर्टिकल बार है। अगर आपके साथ चेकर बोर्ड आए तो आर टू एफ टू आर टू यू टू, इस तरह आप पूरा पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो भाई बस इतने ही केसेस थे इसमें। आपको ओएलएल में आपको 7 केसेस दिखेंगे, पीबीएलएल में आपको 5 केसेस दिखेंगे, और इस तरह आप पूरे पूरे क्यूब को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं एक बार स्क्रैम्बल करके आपको बता देता हूँ फटाक से किस तरह ये वर्क करेगा, वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आपने बनाना है अपना वाइट फेस, ठीक है। जैसे ही आप अपना व्हाइट फेस बना लें तो आप अपने सिंपल से एक एल्गोरिथम लगाइए और अपना अपर फेस बना लीजिए, और अब फाइनली आपको बनाना है, देखिए यहाँ पर टीपम लगना है, पीबीएलएल से अपने टीपम लगाइए आपने, और यहाँ पूरा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ही इजी, आप इससे 5 सेकंड में आसानी से क्यूब को सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था, तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है और अगर आपको मेरा वीडियो नहीं भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ दबा दीजिए बेल आइकन को। और हाँ, हमें आप यार हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार, थोड़ा भाई का मतलब यार ग्रो करो, थोड़ा सा चैनल को बढ़ाओ, सपोर्ट करो आपका। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।